अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाऊंगी पिटाटो स्नैक्स। स्नैक्स तो खैर आपने बहुत खाए होंगे, ऐसे स्नैक्स आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। उसके लिए मैंने ले लिए 2 मीडियम साइज़ के आलू, उनको मैंने बॉयल कर लिया और पीसीज में कट कर लिया था, और छिलका भी इसका मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, बस इसको मैं मैशर की मदद से इस तरीके से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप चम्मच के साथ, कांटे के साथ, किसी भी तरीके से जैसे आपको इजी लगे आप उसको मैश कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इतना मैश कर लिया कि इसमें कोई लम्स ना रहे, आपने भी इसी तरीके से इसको मैश कर लेना। ठीक है, अब बस इसको मैं साइड पे कर दूँगी। ये देखें, बिल्कुल ये आटे वाली फॉर्म में आ गया, जैसे एक आटा बन जाता है। अब इसमें मैं डाल दूँगी कॉर्न स्टार्च, ये इसमें मस्ट है। 1 कप के करीब मेरे पास कॉर्न स्टार्च है, ये मैं इसको सारा डाल लूँगी। कॉर्न स्टार्च यानी कि वो मकई का जो आटा होता है ना, कॉर्न फ्लोर। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। मिक्स करके इसको, इसमें अब कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, बस हल्का सा मैं इसमें नमक डालूंगी। एक बार इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। यहाँ पे बस इतना सा मैं नमक डालूंगी, हल्का सा नमक का फ्लेवर आना चाहिए इसमें, और इसको इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको, इसमें ज़रा भी लम्स नहीं होना चाहिए, आपने गूंदना है, दोनों हाथों से प्रेस करना है। पानी नहीं जाएगा इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि आलू पहले से ही वो मैंने बॉयल किए हुए थे, इसका अपना पानी होता है। ठीक है, बस इस तरीके से आप इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। ये आलू का जो मैंने बैटर बनाया था, ये अच्छे तरीके से ये इस फॉर्म में आ गया। अब आपने बस इस तरीके से इसको उठाना है और एक एक बॉल की शेप में, इसको राउंड शेप में बनाते जाएं। ठीक है, इस तरीके से मैं सारे राउंड शेप में बना लूँगी। ये पिटाटो मशरूम एकदम टेस्टी बन के तैयार होते हैं, छोटे बड़े सभी इसको शौक से खाते हैं। इस तरीके से मैं सारे मशरूम बना लूँगी, बॉल बना के फिर आपको दिखाऊँगी मैंने कैसे करना है इसको। इनको मैंने सबको राउंड शेप में बॉल बना लिया है सेम साइज़ में। ठीक है, अब इसके बाद में आप किसी भी ढक्कन की मदद से या कोई बोतल है आपके पास, उससे आपने बस इसको हल्का सा इस शेप में इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से सबको आपने इस तरीके से प्रेस करना है, बोतल ले लें या ढक्कन हो, कोई भी हो आपके पास। अब मैं सब बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से बस सब बना लेने हैं अब हमने। इनको मैंने शेप दे दी है और ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे बन के रेडी हो गए हैं। अब बस इसके लिए मैं वो पानी तैयार करती हूँ एक पैन में। यहाँ पे पैन में मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लिया है और साथ में मैं इसके हल्का सा नमक डाल दूँगी पानी के अंदर। ठीक है, हल्का सा बस टेस्ट आना चाहिए। और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल देना है। ऑयल से क्या होगा, ये मैं जो इसके अंदर मशरूम डालूंगी ये आपस में जुड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, बस इसमें मैं एक एक करके ये डालती जाऊंगी मशरूम इस तरीके से। आपने इनको इस तरीके से डालते जाना है और अब ये बैठ जाएंगे, जैसे ये बॉयल हो जाएंगे फिर ये पानी के ऊपर आ जाएंगे। आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल हैं, हमने इसका जो वो कॉर्न स्टार्च डाला था ना, वो उसका कच्चापन दूर करने के लिए हमने इसको बॉयल करना है। ये मैंने तमाम मशरूम को वो बॉयल हल्का सा कर लिया था और इनको मैंने अब बाहर निकाल लिया है। अब इस टाइम पे मैं एक पैन रखूँगी और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी।
बस आपने 2 टेबल स्पून डालना है और हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको बनाना है, ठीक है। ऑयल मेरा गरम हो गया है, यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, बस इसको हल्का सा मैं 1-2 सेकंड के लिए भून लूँगी। छोटे बड़े बच्चे सब खाते हैं, अगर आपको बड़ों के लिए बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी रखते हैं, और बच्चों के लिए नॉर्मली जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना ही रखिएगा। मसाले यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, जीरे को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा पकाने से ये कड़वा हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है जीरे का। और थोड़ा सा नमक और ये 1/2 टीस्पून से भी कम ददरी लाल मिर्चें, बस इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी मैं। ये मसालों का मैंने कच्चापन दूर कर दिया है, बस इसमें मैं डाल दूँगी चिली सॉस, 1 टेबल स्पून आपने चिली सॉस डालना है। थोड़ा सा सोया सॉस, मेरे पास इतना ही है, आपके पास अगर है तो 1 टेबल स्पून सोया सॉस, साथ साथ बस ये डालते जाना। और ये 2 टेबल स्पून केचप, केचप मेरे पास मार्केट वाला पड़ा होगा, अगर आपके पास घर का पड़ा होगा तो आप घर वाला भी डाल दें। तो मैं इस तरीके से रिमूव कर दूँगी, ठीक है। हाफ टेबल स्पून मैंने ये सिरका डालना है इसमें, बस हमारा ये बन के रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इसका मसाला मैंने रेडी कर लिया और क्वांटिटी मैंने आपको तमाम इसकी बता दी है, और इसमें जो ये मशरूम मैंने रेडी किए थे ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप इसको फ्लेम ऑफ किए बिना ही डाल देंगे तो फिर इससे ये होगा कि ये जो हमारे मशरूम रेडी किए हैं ये बॉयल भी हैं, ऑलरेडी बॉयल हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई कर लूँगी। ये देखें हमारे मशरूम कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके मशरूम कैसे बने। मशरूम हमारे बहुत मज़े के रेडी हो गए हैं, मैं टेस्ट भी कर चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।